कोरोना वायरस महामारी का एंटी डोज पूरे विश्व के डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं बना पा रहे, लेकिन आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में एक ऐसा झोला छाप डॉक्टर है जो क्षेत्रीय आदिवासी जनता को कोरोना वायरस की दवा देकर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा। बता दें, रेड जोन जबलपुर से आने वाले झोला छाप डॉक्टर अमित सुलखिया ने बीजा डांडी ब्लॉक मुख्यालय में सुलखिया नाम से दवाखाना चलाता है, जिसके पास दवाखाना चलाने का रजिस्ट्रेशन भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एलोपैथिक दवाओं से इलाज करता आ रहा है। तो तब हो गई जब पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा, लेकिन ये साहब लॉकडाउन के बावजूद भी जबलपुर में आकर बाहर से आने वाले मजदूरों को 30 रुपए में कोरोना वायरस की दवा दे रहे, जिसके चलते नायाब तहसीलदार, बीएमओ और थाना प्रभारी ने इसके दवाखाने पर छापेमार कार्रवाई की। और इस दौरान झोला छाप डॉक्टर के पास ना तो दवाखाना चलाने का दस्तावेज मिला और ना ही डॉक्टरों से संबंधित कोई प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर अधिकारियों की टीम ने दवाखाने को सील कर दिया। डॉक्टर सुलखिया क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर साहब लोग दवा नहीं बना पाए, और दवा बना लेते तो फेमस हो जाते इंडिया में। तो इनके द्वारा जो विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित किया गया है, अपने दवा खाने के ऊपर चिपकाया गया पर्ची, वो फर्जी है और वो अनधिकृत पर्ची है। और किस दुकान से किसके उस कहने पर उन्होंने पर्ची चिपका, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए वो। इनकी जो दुकान है, हमने इनको कहा कि आप दुकान उसको खोल के अंदर से हमको सब सामग्री जो आपके पास एलोपैथिक कितनी है, होम्योपैथिक कितनी है और आयुर्वेदिक कितनी दवाएं हैं, उनका निरीक्षण करवा दीजिए। तो उन्होंने ताला लगा के चाबी भी कहीं किसी के पास दे दिए और शासन प्रशासन के निरीक्षण में सहयोग भी नहीं किया उन्होंने। इस वजह से हमको इनकी दुकान को जब हमने आके और सीआई साहब ने आके यहाँ चेक किया, तो उनकी क्लिनिक के सामने लिखा हुआ है कि कोरोना की दवाई उपलब्ध है मात्र 30 रुपया। तो उसको जब देखा गया भाई आप कौन सी दवाई दे रहे हो 30 रुपये में, उस कारण 30 रुपये की जो लालच थी, तो लोग कोरोना की दवाई के कारण यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेजमेंट पालन भी नहीं कर रहे थे और आम जनता में भ्रांति भी फैल रही थी कि इस तरह की दवाई भाई कौन सी है जो अस्पताल में नहीं आ रही है। अब चूंकि दूसरी बात ये भी हो रही थी इसके साथ साथ में, जो लोग चोरी छुपे धर से आ रहे हैं उनको डर है कि हमें बंद ना कर दिए जाएं, या उनको डर है कि हम रोड पर चलते हुए मिल जाएंगे तो पुलिस हमसे कुछ ना परेशान न कर। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या था कि हम उसको अस्पताल बुलाते थे, जिनके जैसे लक्षण हुए उस हिसाब से अगर वो हम उनका उनके साथ में बर्ताव कर रहे थे। पर अब जब वो आदमी लोग यहाँ से बोले 30 रुपये के हमने कोरोना, वो अपने घर चले जाते थे, क्वारंटाइन करना है तो क्वारंटाइन भी कर रहे थे। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।